हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले वाले वीडियो में हमने आपको नर जननांगों के बारे में बताया था। इन प्रेजेंट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में आपको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन मुख्य रूप से भाग होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सच एज यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड वैजाइना एंड ग्लैंड्स। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है, ओवरी अगर आप देखें तो ये इनसाइड द एब्डोमेन कैविटी होती है। और जबकि आपने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस को पढ़ा था तो वो आउटसाइड द बॉडी वन, बॉडी के बाहर होता था। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के टेम्परेचर में और उसके टेम्परेचर में 2 डिग्री का डिफरेंस होता है, इस वजह से वो शरीर के बाहर पाए। इसमें लेकिन ओवरीज शरीर के अंदर पाई जाती है। ये ओवरीज हैं वो लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और 5 सेंटीमीटर वाइड होती हैं। और ये जो ओवरीज हैं वो सस्पेंडेड होती हैं मेसेंटरी की सहायता से, ये अटैच रहती हैं। इन मेसेंटरी को हम मीजोबेरियम कहते हैं। ये जो मेसेंट्री है ये क्या कहलाती है? मीजोबेरियम। और ओवरी का जो काम है वो है एग प्रोड्यूस करना और फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना। ये कि स्मॉल एंड ऑर्गन सेट ग्लैंड होती है और लोकेटेड इन लोअर एब्डोमिनल रीजन अर्थात पेल्विक रीजन में ये होती है। ये संख्या में 2 होती हैं, एक हमने दिखाया है, दूसरा ये नहीं दिखाया, एक ही दिखाई है ना, 2 होती हैं, ठीक है। तो ये कहां पाई जाती है? पेल्विक रीजन पाई। अब ये जो ओवरी है ये एक फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी है। फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है एम्पुला, दूसरा भाग कहलाता है इस्थमस और तीसरा भाग कहलाता है फंडेमा। जो एम्पुला है इसका जो फनल शेप भाग होता है वो कहलाता है इनफंडिबुलम। और इस इनफंडिबुलम में जो ये फनल लाइक शेप होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये कहलाती हैं फिम्ब्रीज। क्या कहलाती है? फिम्ब्री। और इस जगह है जहां पर ये जो एम्पुला है यहां पर फर्टिलाइज होता है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी लंबाई 10 टू 15 सेंटीमीटर होती है। ये यहां से यहां तक जो दिख रही है ये कहलाती है फैलोपियन ट्यूब और उसकी लंबाई 10 टू 15 सेंटीमीटर होती है। ये एक मस्कुलर आकृति में खुलती है विच इज इन्वर्टेड पियर शेप, उल्टी नाशपाती की आकार की संरचना होती है जिसे हम यूट्रस कहते हैं। यूट्रस 3 लेयर्स से बना होता है। सबसे बाहरी लेयर होती है ये फाइब्रस लेयर होती है, इसे हम पेरिमेट्रियम कहते हैं। और इसके जो बाद वाली यानी जो दूसरी लेयर होती है वो मस्कुलर लेयर होती है, हाई, उसको कहते हैं हम मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो जो हाईली वेस्कुलर होती है, इसे कहते हैं हम एंडोमेट्रियम। तो दिस इज यूट्रस एंड दीज 3 वॉल्स आर फाउंड इन यूट्रस। तो यूट्रस वो स्थान होता है जहां पर
जो भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है और एम्पुला वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुला इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड यूट्रस इज द साइट फॉर इम्प्लांटेशन, यहां इम्प्लांट होता है। इसका जो यूट्रस का है ये पार्ट कहलाता है बॉडी पार्ट, और जो नैरो पार्ट होता है ये कहलाता है सर्विक्स। जो ओवरी है ये इस यूट्रस से भी कुछ मेसेंट्री के द्वारा अटैच रहती है, इन मेसेंट्री को कहते हैं हम ओवरियन लिगामेंट, ये कहलाते हैं ओवरियन लिगामेंट। और इसका जो नैरो पार्ट है सर्विक्स वो आगे एक मस्कुलर संरचना बोलता है जिसे हम बेजाइना कहते हैं। बेजाइना इज ऑल्सो नोन एज अ बट किनाल एंड इट इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो बेजाइना है वो एक अपर्चर द्वारा बाहर खुलता है जिसे हम बेजाइनल ओपनिंग भी कह सकते हैं और बल्वा कहते हैं। इस बल्वा पर एक बहुत थिन एक लेयर पाई जाती है जिसे हम हाइमन कहते हैं, एंड इस दिस हाइमन इज द साइन फॉर वर्जिनिटी। इस हाइमन को ही हम वर्जिनिटी का चिन्ह मानते हैं। तो ये इसकी जहां पर यूट्रस सर्विक्स होता है वहां पर दो ऑस होती हैं, इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस। ऑस इज द एब्रीविएशन ऑफ ओरिफाइस, तो ये इंटरनल ऑस है और ये एक्सटर्नल ऑस है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ओवरी की पोजीशन ओवरी से जुड़ा हुई फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब पर यूट्रस, यूट्रस पर वेजाइना, और कहां पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण का इम्प्लांटेशन कहां होता है, इन सब चीजों को आपने एक बार देखा। और आप जरा इसको समझे कि कौन सी संरचना कहां पाई जाती है, उसका क्या काम है, और इसको अच्छे से डायग्राम बना लें और सब हर इसके भाग को आप लेबल कर लें और डायग्राम बना करके, आपने बहुत दिनों से हमें दिखाया नहीं, कॉपी नहीं दिखाई आपने, तो बना करके एक बार हमें आप कॉपी व्हाट्सएप कर दें जिससे हम देख सकें आप डायग्राम बना रहे हैं नहीं बना रहे, इन सब का काम क्या होता है, और इनके बारे में आप नोट्स बना करके हमें चेक करा देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट वन। इसके बाद हम अगले वीडियो में इनका डिटेल संरचना और डिटेल अध्ययन करेंगे। थैंक्स।